सैटरडे का पहला मैच मुंबई और सीएसके के बीच में जो हुआ वो दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स टेबल में अब प्लेऑफ्स के लिए पोजीशन सिक्योर करने के लिए खेल रही थी। मुंबई के लिए तो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच ज्यादा हारे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, रोहित शर्मा जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है उसी तरह से उसकी कप्तानी का भी कबाड़ा हो चुका है। मतलब आप ये देखिए, आज की मैच में कप्तानी में इतनी ज्यादा ब्लंडर्स की है रोहित शर्मा ने। एक तो पहले वो टॉस हार गया, टॉस हारने के बाद, लेकिन आप ये देखिए दिन के मैचेस में जैसा कि ट्रेंड है, सारे लोग क्या करते हैं, पहले बैटिंग करते हैं क्योंकि दोनों पारियों में विकेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। और दोनों टीमों के कप्तान ये चाहते हैं कि हम पहले बैटिंग इसलिए करें क्योंकि हमारी टीम ज्यादा धूप में ज्यादा गर्मी में पहले फील्डिंग ना करे, और इस वजह से ये लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले बैटिंग कर ली जाए। लेकिन धोनी ने उल्टा किया। अच्छा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर रोहित शर्मा ने टॉस जीता होता तो वो पहले बैटिंग ही करता, तो एक तरह से उसके लिए तो बैटिंग उसको मिली गई और उसके लिए टॉस जीतने के समान ही हो गया। लेकिन यहां देखिए फर्क क्या है, धोनी ने पहले बैटिंग क्यों नहीं ली, वो इसलिए कि उसे पता है कि मुंबई की बैटिंग स्ट्रांग है, और मुंबई अभी तक जो मैचेस जीतते आई है वो बाद में बैटिंग करके जीतते हुए आए हैं, और उनके लठेतों ने उनको जब टारगेट मालूम होता है तो वो उल्टे सीधे शॉट मारते हैं फट्टे विकेट के ऊपर, और वो इसी वजह से मैच जीतते रहे। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, मैंने देखिए आपको अगर याद हो मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि मुंबई के लठेत जो हैं ये बैटिंग विकेट पे बाद में बैटिंग करके बहुत अच्छे से बल्ला घुमाते हैं और इनके बल्ले पे बॉल आती है, जो ये टिम डेविड ने पिछले मैच में 15 बॉल में 45 रन बनाए थे। उस टाइम भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी ग्रेवयार्ड्स हैं ये विकेट्स, और इसमें टिम डेविड और कैमरून ग्रीन जैसे ये जो 7-7 फिट वाले लंबे बैट्समैन हैं इनकी रीच बहुत ज्यादा होती है, और विकेट में चूंकि कुछ होता नहीं है तो ये लोग एक टांग हटा के और बस बल्ला घुमाते हैं। आज उनकी सबकी पोल खुल गई, पहले बैटिंग कर जहां आई इन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। कैमरून ग्रीन 6 रन पे आउट हो गया, टिम डेविड तो उसके बल्ले में ही बॉल नहीं आ रही थी, 2 रन पे आउट हो गया। मैं चाहता हूं इन लोगों की पोल इस तरह से खुले, और इस तरह से जबरदस्ती इन लोगों की जो वाहवाह होती है कि ये बड़े दुनिया के सबसे बड़े हिटर हैं, तो पहले बैटिंग करके हिटिंग करो ना। तो यहां पोल खुल गई सबकी और 140 रन पे ढेर हो गई। सबसे पहले तो आप ये देखिए बेवकूफी कि कैमरून ग्रीन के आउट होने के बाद जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आया दूसरे ओवर में, रोहित शर्मा के विकेट पे रहते हुए इन लोगों ने ईशान किशन को जो एक फुल टॉस बॉल आई उसके लिए रिव्यू लिया। मतलब ये दिमागी दिवालियेपन की बिल्कुल लिमिट है। कौन लोग हैं, कौन वो वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टन है, मुझे कोई बता दे। आज तीसरे ओवर में आप बॉलिंग की मतलब हाइट के लिए आप रिव्यू ले रहे हो। पहले मैच में भी मैं एक बार आपसे बोल चुका हूं, जब राजस्थान ने लिया था ये रिव्यू और एक बार गायकवाड़ ने लिया था, तो आपको वाइड बॉल के लिए या नो बॉल के लिए रिव्यू लेके, और वो भी पहले दूसरे ओवर में, आप एक रिव्यू जाया कर रहे हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आप देखो, अगर आपको मिल भी गया फेवर में आपको डिसीजन, तो आपको सिर्फ एक नो बॉल मिलेगी। चलिए आपने उसमें छक्का भी मार लिया तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद अगर आपने मिस कर दिया तो आपका एक रिव्यू चला गया। वो रिव्यू बाकी 19 और 18 ओवर के लिए बहुत ज्यादा आपको काम आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट आपके बैट्समैन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट जाए तो। लेकिन रोहित शर्मा की मैं दिमाग की दाद देता हूं, खुद विकेट पे खड़े होते हुए वो हाइट ऑफ द बॉल के लिए रिव्यू ले रहा है और वो रिव्यू जाया हो गया, अजीब सी बात है। और फिर उसके बाद खुद भी जिस तरह की वो बैटिंग की अप्रोच और इंटेंट की वो जो राग अलाप रहा है पिछले 2 साल से, फिर 0 पे आउट हो गया। मैं बता रहा हूं ये रोहित शर्मा ने जो अपना ये बैटिंग का स्टाइल चेंज किया है ये इंडिया को ले डूबेगा, ये मुंबई तो छोड़ ही दीजिए आप, ये इंडिया को लेके डूबेगा ये। फिर तो क्या है, जब 14 रन पे 3 विकेट हो जाएंगे आपके, उसके बाद तो फिर कैचअप का टाइम आ जाता है। फिर सूर्य कुमार यादव ने कोशिश जरूर की लेकिन आज सीएसके ने उसको पकड़ के रख लिया। धोनी ऐसा जादूगर है जो कि सारी डोरिया खुद अपने हाथ में रखता है और पूरे गेम को चलाता है। तो सूर्य कुमार यादव भी 26 रन से ज्यादा नहीं बना पाया, वो तो भला हो वो निहाल वडेरा का, उसने 64 रन बना दिए तो कुछ उनकी इज्जत बच गई, अदरवाइज ये लोग तो 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाते। अगर निहाल वडेरा आउट हो जाता तो आज तो उनके पास तिलक वर्मा भी नहीं था। 140 रन के बाद फिर क्या हो रहा था, जो चेन्नई ने जो बैटिंग शुरू की तो वो तो बहुत ही कंजर्वेटिवली खेल रहे थे, और उन लोगों का प्लान बहुत अच्छा है, बहुत ही सेट है उनका प्लान कि गायकवाड़ अटैकिंग खेलेगा, डेवन कॉनवे एक विकेट बचा के रखेगा,
डेवन कॉर्नवे ने पूरे 44 बॉलों में 44 रन बनाए 100 के स्ट्राइक रेट से, और इधर इसने 16 बॉल में 30 रन बना के आउट हो गया। उसके बाद देखिए धोनी ने आज फिर शिवम दुबे को ऊपर नहीं भेजा, आज उसने मुइन अली को भी ऊपर नहीं भेजा, आज उसने फिर से अंबाती रायडू को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा। क्योंकि देखिए एक पिछले मैच में भी मैंने ये कहा था जब लोग बाग ये ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि अंबाती रायडू को क्यों ऊपर भेजा गया, उसको देखिए अंबाती रायडू का बैटिंग फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है चेन्नई के प्रोस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि इनके पास बैटिंग में और कोई बैट्समैन है नहीं, अंबाती रायडू को ही इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करते हैं, तो उसको बैटिंग फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद अंबाती रायडू के भी तो लेकिन उसकी लॉटरी लगी हुई है कि और कोई उसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो बचा खुचा वही बचता है इंपैक्ट प्लेयर में एज ए बैट्समैन आने के लिए, और फिर भी उसके बाद भी वो कुछ करके नहीं दे रहा है। देखिए ये बड़ा फर्क होता है, अंबाती रायडू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई क्रिकेट नहीं खेलता है साल भर सिवाय आईपीएल के, तो आईपीएल के पहले जो कैंप लगता होगा वो उसमें प्रैक्टिस करता है, बाकी अपने घर पे प्रैक्टिस करता होगा। तो ऐसे नहीं होता है काम, क्रिकेट इतना आसान होता तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे रन बना चुके होते और बहुत सारे परफॉर्मेंस दे चुके होते, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलना जरूरी है, चाहे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही क्यों ना खेलें। अंबाती रायडू ने बहुत गलती की, अगर उसको क्रिकेट खेलना है तो उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। भले अब मान लीजिए कि टीम इंडिया में उसके आने के अब चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको आईपीएल तो खेलना है। अब इस तरह से अगर परफॉर्म करेगा तो वो चेन्नई में है, इस वजह से भले वो अगले साल उसको वापस ले लें अपनी टीम में या रखें अपनी टीम में रिटेन करें, अदरवाइज और कोई टीम होती तो कब का भगा के बाहर कर दिया होता उसको। तो बुरी तरह से रोहित शर्मा आज एक्सपोज हुआ अपनी कप्तानी में, और उसके चेहरे से बहुत शानदार तरीके से नजर आता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है और उसका सलूशन एक है कि उसको ही हैज टू गो टू द बेसिक्स ऑफ हिज बैटिंग। बस वो इंटेंट विंटेंट को जरा घर में ताले में लगा के आए, जिस जहां से सीख के आया है वो ये, और धोनी की शरण में जा और प्रोसेस को फॉलो कर। पता नहीं कैसे ये भूल जाते हैं, धोनी के साथ इन लोगों ने इतने सालों खेला है, इतने सालों उसके अंडर में परफॉर्मेंस दी है, इन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। इंटेंट और ये और एक्सप्रेशन फलाना ढिकाना, ये इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, बेसिक्स के ऊपर वापस जाओ, बैटिंग जिस तरह से की जाती है वैसे करो और बस। जब तक रोहित शर्मा रन नहीं बनाएगा उसकी टीम मैच नहीं जीतेगी, और इसीलिए मुझे डर है कि अगर ये आईपीएल में परफॉर्म नहीं करेगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया चौथे दिन को पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हम तो बहुत खुश है चेन्नई जीत गई, तो हमें और क्या चाहिए, लेकिन मैच इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था। रोहित शर्मा को समझने की जरूरत है, रोहित शर्मा को धोनी के पास ही जाके पूछना चाहिए कि मुझसे क्या गलती हो रही है प्रभु, मुझे बताओ आप, या तो धोनी के कुछ मैचेस ही देख ले यार, मुझे समझ में नहीं आता, रोहित शर्मा इज जस्ट होपलेस। तो देखते हैं आज शाम के मैच में क्या होता है, दिल्ली और आरसीबी के मैच में। यह आरसीबी को जीतना बहुत जरूरी है, दिल्ली का तो चाहे वो जीते या हारे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली ये है कि अभी अपने बचे हुए सारे मैच जीत जाए तो शायद उनका कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली, क्योंकि बाकी टीमें उससे बहुत आगे हैं। देखते हैं, मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।